तो इसको हम ट्राई करते हैं। वाह यार बहुत ही जबरदस्त चीज है यार ये, यानी मीठे में ये कोई नेक्स्ट लेवल की चीज है। ये जो है टर्किश नान है, अब इसका साइज चेक करें जरा। अच्छा फालूदे में भी कितनी तरह के फ्लेवर्स हैं। इस सेक्शन को बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर हर तरह के बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं। अच्छा किसी पे लिखा है HELVA और किसी पे लिखा है HALAWA। जैसे 5 लीटर है, इसकी प्राइस है 699। डू यू लाइक दिस प्लेस? हेलो दोस्तों, आई होप के आप मज़े में होंगे, जहाँ भी होंगे इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पे। इस वक्त मैं हूँ मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर जैसा कि आपको हो सकता है मालूम हो कि एक डाइवर्स सिटी है। यहाँ पर आपको हर कम्युनिटी, हर एथनिसिटी के लोग जो हैं वो मिलेंगे, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इवन अफ्रीकन हो, चाइनीज़ हो, दुनिया के हर रीजन के लोग आपको मैनचेस्टर में मिलेंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर हर किस्म की, हर रीजन की शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और मतलब आप जो भी जिस रीजन की चीज़ लेना चाहें, ख़रीदना चाहें, मैनचेस्टर में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉप पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर टर्किश फूड भी काफ़ी फेमस है, चाहे वो टर्किश रेडीमेड फूड हो या टर्किश ग्रॉसरी हो। टर्किश फूड ना सिर्फ टर्किश लोगों में मशहूर है बल्कि जो बाकी लोग हैं वो भी टर्किश फूड को काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं इस वक्त आया हूँ एक ग्रॉसरी स्टोर पे जिसका नाम है इस्तांबुल ग्रॉसरी स्टोर। यहाँ पर आपको टर्किश फूड के हवाले से सब कुछ मिलेगा और टर्किश फूड काफ़ी रिच है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आप ट्राई करें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलें चलते हैं, मैं आपको ग्रॉसरी का विज़िट करवाता हूँ इस शॉप का और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं और उनकी प्राइस क्या है। ओके हम एंटर हो गए हैं और ये उसकी एंट्रेंस है। काफ़ी बड़ा स्टोर है, पूरी यानी सुपर स्टोर है। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़, आपको ग्रॉसरी के आइटम मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, राइस है ये, और अच्छा प्राइसेस भी यहाँ काफ़ी मुनासिब हैं। अच्छा अगर आप ये देखें तो चपाती फ्लोर है, रोटी बनाने वाला आटा, तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। एलिफेंट आटा, और इसके अलावा प्लेन फ्लोर, तो अच्छा ये कुकिंग ऑयल है, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल। आजकल कुकिंग ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी चढ़ी हुई है, बहुत हाई है। अब ये जैसे 5 लीटर है, इसकी प्राइस है 699, तो काफ़ी मुनासिब प्राइस में है क्योंकि यही जो कुकिंग ऑयल है इस वक्त मार्केट में तकरीबन 8 पाउंड या इससे ऊपर, 8 पाउंड और इससे ऊपर का मिल रहा है, तो प्राइसेस भी यहाँ काफ़ी मुनासिब हैं। ये जो पोर्शन है, ये पूरा ड्रिंक्स का पोर्शन है, काफ़ी बड़ा पोर्शन है। हर तरह की यहाँ ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जो कि नॉन अल्कोहलिक हैं, सब हलाल ड्रिंक्स हैं। और उसके अंदर आपको इवन ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये फालूदा है। अच्छा फालूदे में भी कितनी तरह के फ्लेवर्स हैं, जिस तरह ये चॉकलेट फालूदा है, मेलन फालूदा, बनाना, रोज़ फ्लेवर, और वो काफ़ी आगे तक आप देखें फालूदा के काफ़ी फ्लेवर्स हैं। तो मतलब एक बहुत लंबी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है फूड की जो कि यहाँ पर आप ले सकते हैं। जब से ये शॉप खुली है इसकी काफ़ी जो है वो मशहूरी हुई है, जो लोग यहाँ आते हैं इसको काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा ये जो है मोगू मोगू ड्रिंक, ये यहाँ पर बच्चों में बहुत मशहूर है। इस वक्त गर्मी का मौसम है और ये ड्रिंक्स जो हैं वो काफ़ी डिमांड में हैं। ओके इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये एग्स। एग्स यहाँ पर यू नो पैक्स में आते हैं। अब ये 30 एग्स का पैक है और इसकी प्राइस है 5 पाउंड और 99p। तो ये प्राइस भी काफ़ी मुनासिब है क्योंकि अभी मैं पीछे एक और एजियन ग्रॉसरी शॉप से देख कर आया हूँ और वहाँ पर यही जो एग है वो आई थिंक 7 पाउंड या इससे ऊपर का था, तो काफ़ी मुनासिब प्राइस हैं। ये वाइट कलर के एग्स हैं 30, और प्राइस वही सेम है 5 पाउंड और 99p। तो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। अच्छा ये भी सारी ड्रिंक्स हैं। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हर चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप जब देखते हैं आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि उसमें से कौन सी चीज़ आप पिक करें और कौन सी ना करें। जैसे अब ये ड्रिंक्स की आप देख लें तो इतने ज़्यादा ड्रिंक्स हैं, ये पूरी आइल जो है
ये ड्रिंक से भरी हुई है, वो आगे तक आप देखें पूरे ड्रिंक्स ही आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आपको योगर्ट जो कि देसी योगर्ट है वो भी मिल जाएगा, ना सिर्फ देसी बल्कि दुनिया के हर एरिया का जो योगर्ट है दही है वो आपको प्रॉपर अच्छी पैकेजिंग में मिलेगा। जैसे आप देखें ये जो योगर्ट है ये टर्की का है, इसके अलावा आप और भी ब्रांड्स देखें, ये ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, इसके अलावा ये नॉर्मल हमारा देसी योगर्ट है। तो मतलब योगर्ट की भी काफ़ी सारी यहाँ पर किस्में हैं। ये जो है ये पाकीज़ा योगर्ट है, अच्छा यहाँ बटर जो है ना वो बहुत खालिस मिलता है, जो आपका मक्खन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है और उसकी जो पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बटर और उसकी पैकेजिंग। ये देखें, ये लेक लैंड डेरीज है और प्योर आयरिश बटर, उसकी पैकेजिंग देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर पैक हुआ हुआ और बिल्कुल खालिस होता है, इसके अंदर कोई मिलावट वगैरह नहीं होती। ये काउ मिल्क का, गाय के दूध का बटर है, इस पे अरबी में भी लिखा हुआ है अल बकरा अल हलूब, यानी कि गाय के मिल्क का बटर। उसके बाद ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं बटर के, तो हम चलते हैं आगे। इतने ज़्यादा फूड है कि मैं हर चीज़ आपको वीडियो में दिखा नहीं सकता, अदरवाइज़ वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा ये डेट्स हैं, खजूरें, ये देखें काफ़ी बड़ा पैक है ये डेट्स का, और ये पैलेस्टीन की प्रोडक्ट है, पैलेस्टीन के डेट्स हैं और ये है मेडजूल डेट्स, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने ये डेट्स जो है खाई हुई हैं और यकीन करें ऐसी ज़बरदस्त क्वालिटी होती है इसकी। इसकी जो प्राइस है वो है 8 pounds and 99p, यानी कि 9 pounds इसकी प्राइस है। इसका वेट है वो 900 ग्राम है, यानी एक किलो से थोड़ी सी कम है, 100 ग्राम कम है, और इसकी जो प्राइस है वो है 9 pounds। अच्छा क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है, तो काफ़ी पसंद की जाती हैं ये डेट्स। इसके अलावा बाकी भी डेट्स हैं, आप देख लें ये भी पैलेस्टीनियन डेट्स हैं, इसके अलावा ये भी पैलेस्टीनियन डेट्स हैं। अच्छा इन्होंने काफ़ी जो डेट्स हैं उसमें ज़्यादातर जो वेराइटी है वो पैलेस्टीनियन डेट्स की है, ये ऊपर भी पड़ी हैं, तो पैलेस्टीन की काफ़ी ज़्यादा डेट्स की वैरायटी है। इसके अलावा इस तरह की भी पैकेजिंग है, ये देखें ये प्लास्टिक की पैकेजिंग है, बहुत अच्छी तरह पैक हुई है। ये भी किसी अरब कंट्री की ही डेट्स हैं और ये सारी इस तरह प्लास्टिक पैकेजिंग में है, ये फिर प्लास्टिक टब में है, बहुत ही ज़बरदस्त पैकेजिंग में और अच्छी क्वालिटी की डेट्स होती हैं ये। अच्छा ये देखें आप इतना बड़ा, अगर आपको जम्बो पैक चाहिए तो पैलेस्टीनियन डिलाइट, पैलेस्टीन की डेट्स हैं और इसकी जो इसका जो वेट है वो है 5 kg और इसकी प्राइस है 50 pounds and 99p, यानी 51 pounds की डेट्स है ये, और 5 kg का पैक है। इसी तरह वो ये दूसरा भी है जो कि पैलेस्टीनियन डेट्स हैं, ये है 54 pounds and 99p का, यानी 55 pounds का है, और इसी तरह ये आगे मज़ीद ब्रांड्स हैं डेट्स के। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पर जो भी आइटम आप देखेंगे उसकी इतनी ज़्यादा वेराइटी होगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी जो है वो आइटम चूज़ करें, क्योंकि हर आइटम जो है वो एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर यूके में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये सॉसेजेस होते हैं ना ये अक्सर हलाल नहीं होते, तो ये सॉसेज वो ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इस्तांबुल ग्रॉसरी की शॉप जो है यहाँ पर ये सॉसेजेस भी हलाल हैं। तो ये सॉसेज देखें आप, ये सब जो सॉसेजेस आपको नज़र आ रहे हैं ना ये सब हलाल हैं, ये आप ले सकते हैं, इनको आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये जो सब जार्स नज़र आ रहे हैं इन सब में ऑलिव्स हैं, डिफरेंट तरह के, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ब्रांड्स हैं और डिफरेंट टाइप के ऑलिव्स हैं, कुछ जो है अंदर से फिल्ड हैं। अब जैसे ये देखें ये स्टफ्ड ऑलिव्स हैं, ये अंदर से फिल्ड हैं, और कुछ ऐसे ऑलिव्स हैं जो अंदर से खाली हैं, जैसे कि आप ये देखें ये स्टफ नहीं है, ये अंदर से खाली हैं और स्लाइस हुए हुए हैं। उसके अलावा ब्लैक ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स हैं, बहुत बड़ी रेंज है ऑलिव्स की भी। अगर आप घर के लिए ऑयल खरीदना चाहते हैं तो ये सब जो है ये पूरा ये जो सेक्शन है ये कुकिंग ऑयल का सेक्शन है, इसके अंदर आपको इतनी तरह के ऑयल, कुकिंग ऑयल मिलेंगे कि सनफ्लावर ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, फिर इसमें ऑलिव ऑयल है, बहुत तरह के ऑयल्स हैं। आप ये देख लें कि ये सारे जो है ना ये डिफरेंट तरह के ऑयल्स हैं, ये जैसे वेजिटेबल ऑयल है, ये सनफ्लावर
विद एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बहुत बड़ी वैरायटी है ऑयल्स की, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा देसी घी, ये आप देखें, तो ये प्योर देसी घी है। ये 2 kg का पैक है और इसकी प्राइस है £16.99 की। ये बिल्कुल प्योर देसी घी है, बहुत मज़े का होता है, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त। ये जो है अगेन गाय के दूध का देसी घी। देसी घी की भी बहुत सारी वैरायटीज़ है यहाँ पर। ये एक और हीरा प्योर बटर घी, KTC प्योर बटर घी। तो देसी घी की भी काफ़ी वैरायटी है। और अगर आपको इसके छोटे पैक चाहिए तो ये छोटे पैक भी अवेलेबल हैं देसी घी के, 500 ग्राम्स का ये पैक है। अच्छा, यहाँ पर ये सारे मिसाले हैं, शान के मिसाले, जो कि आई थिंक पाकिस्तानी इंडियन आइटम है ये। डिफरेंट तरह के बिरयानी मिसाले हैं, इसके अलावा कोरमा मिसाला है, जोश रोगन जोश मिसाला, कोफ्ता मिसाला, पाया मिसाला। तो इन्हीं मिसालों की भी एक पूरी बड़ी यहाँ पर रेंज है। आप देखिए, हर तरह के मिसाले, मुर्ग छोले मिसाले, शाही हलीम मिसाला और बिरयानी मिसाला। और इनकी प्राइस है £1.19 का ये पैक है। और अच्छा, ये जो सेक्शन है ये है टर्किश कॉफ़ी, टर्किश टी, और टर्किश के अलावा जो बाकी कॉफ़ी, बाकी टी भी है वो भी है। तो ये पूरा सेक्शन जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब कॉफ़ी और टी का है। ज़्यादातर इसमें टर्किश कॉफ़ी और टर्किश टी है। ये सब डिफरेंट तरह की कॉफ़ीज़ हैं, डिफरेंट तरह की टीज़ हैं इसमें। ये जो है स्लिमिंग कॉफ़ी है, यानी कि अगर आप पतला होना चाहते हैं, वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ये स्लिमिंग कॉफ़ी है। ये जो है स्ट्रॉबेरी ग्रीन टी है। ये जो है कश्मीरी पिंक चाय है, कश्मीरी पिंक चाय। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त वैरायटी, कितनी ज़्यादा बड़ी वैरायटी है। ये जिंजर टी है। तो ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है, सब जो है ये किसी ना किसी किस्म की टी या फिर कॉफ़ी है। ये लिप्टन की टी है, काफ़ी बड़ी रेंज, वो आगे तक सब ये कॉफ़ी या चाय की वैरायटी है। अच्छा, ये जो सेक्शन है ये है ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स जो है इतने ज़बरदस्त हैं, टर्किश ड्राई फ्रूट या फिर जो मिडल ईस्टर्न ड्राई फ्रूट हैं। तो यहाँ पर आप देखें डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें कि ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, वॉलनट, पिस्ताचू, कैशियूज, इसमें एक सादा कैशियूज हैं और एक जो है वो रोस्ट किए हुए कैशियूज हैं, पम्पकिन सीड, हर तरह के यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे, कॉर्न स्नैक, ये जो है मिक्स है, ये बॉम्बे मिक्स, बहुत बड़ी रेंज है। और इसके अलावा अगर आप इस तरफ भी देखें तो ये भी सारे जो हैं ये ड्राई फ्रूट्स हैं। ये देखें, ये पिस्ताचू है, और इसमें ये आलमंड है, ये भी आलमंड है, ये कैशियू है, चिली कैशियूज हैं, ये ब्लैक पेपर कैशियूज हैं, ये सॉल्टेड कैशियूज हैं। इन हर चीज़ की यहाँ पर वैरायटी के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, हर तरह के आइटम की वैरायटी, और इतनी बड़ी वैरायटी है कि कोई कस्टमर जो जिस तरह की चीज़ चाहता है उसको यहाँ मिल जाती है। ये जो आइटम है ये बच्चों का बहुत फेवरेट है, इस सेक्शन को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, और इस तरफ बहुत ज़्यादा वैरायटी है चॉकलेट्स की और कैंडीज़ की। तो मैं एक एक करके आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ी वैरायटी है। ये देखें, मार्शमेलोज हैं, मार्शमेलोज तो बच्चों का फेवरेट तरीन आइटम है। और उसके अलावा ये कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट हैं, वेफर्स हैं। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये डिफरेंट तरह के बिस्किट्स हैं। तो बिस्किट और कैंडीज़, कुकीज़ की भी बहुत बड़ी वैरायटी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो ये भी जो है ये भी चॉकलेट और बिस्किट्स ही हैं, यानी ये केक्स हैं। जिस तरह ये है, ये केक है, लेकिन इसको जो ऊपर से कोटिंग की गई है वो चॉकलेट की है। तो इस तरह सब वही हैं, केक हैं और उसके ऊपर कोटिंग जो है वो चॉकलेट की है। इस तरफ अगेन ये क्रोसेंट्स हैं, ये सब स्नैक्स हैं। अगर आप स्नैक की कोई वैरायटी देखना चाहें तो यहाँ पूरा जो है ये सेक्शन स्नैक्स की वैरायटी का है। हम घर में देसी स्पाइसेस यूज़ करते हैं, मिसाले यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी मिसालों की एक बहुत बड़ी वैरायटी है। ये देखें, ये सारे जो है ना ये स्पाइसेस हैं। ये देखें आप, इसमें डिफरेंट तरह के स्पाइसेस हैं, अगर आप इनका नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। इसमें हल्दी, मिर्ची और पता नहीं क्या कुछ, यानी बहुत बड़ी वैरायटी है, जो कि हमें जिसका नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये दुनिया के हर रीजन के स्पाइसेस जो हैं इन्होंने रखे हुए हैं।
चाइव्स हैं, मिंट है, रेड टी है, बासिल है, तो ये पूरा एरिया जो है ये डिफरेंट तरह के मिसालों का है। इस तरफ भी ये भी सारे जो है वो मिसाले के, अच्छा टर्किश मिसाले बहुत मशहूर हैं। अगर आप इस्तांबुल जाएं ना तो वहाँ पर एक इन मिसालों की जो स्पाइसेस हैं इसकी पूरी बड़ी मार्केट है इस्तांबुल में। वो आई थिंक जो मिसाले हैं, स्पाइसेस हैं, ये टर्की में भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है वो इन मिसालों का है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो दिखाने हैं, अभी तक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके आपको इस वीडियो में यहाँ के आइटम्स दिखा दूँ। तो ये जो हैं ये दालें हैं, डिफरेंट तरह की दालें हैं, लेंटल्स हैं, दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स की ये लेंटल्स हैं। इस तरफ आप देखें यहाँ पर ये सवैयाँ हैं और पास्ता है। ये सब पास्ता है और इस तरफ अगर आप देखें तो ये सब दालें हैं। ये छोटे पैक हैं राइस के, ये सब जो हैं ये पास्टास हैं। टर्की में ना ये डिफरेंट तरह के हलवा भी बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनके हलवे डिफरेंट तरह के होते हैं। कहते हैं इसको हलवा ही हैं, लेकिन उनके आई थिंक बनाने का तरीका और उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखें इस पर हलावा पिस्ताची लिखा है। अब ये नहीं पता कि ये वही वाला हलवा है जो कि हम यू नो जिसको हलवा कहते हैं या फिर कोई और चीज़ है। बहरहाल ये जो है ये पिस्ताचू का हलावा लिखा है इसके ऊपर। और अगर आप ये देखें तो ये जितनी भी आपको रेंज नज़र आ रही है ये डिफरेंट तरह के ये हलवा लिखा हुआ है, HELVA। अच्छा किसी पे लिखा है HELVA और किसी पे लिखा है HALAWA। तो बहरहाल तहीनी भी कहते हैं इसको, ये तहीन हलवा। तो ये सब उसकी रेंज है। और इस तरफ जो है टर्किश डिलाइट है, टर्किश डिलाइट दुनिया में बहुत मशहूर है। अब ये देखिए आपने लाजमी कहीं शॉप पे, या अगर आप इस्तांबुल गए हो तो आपने ये वहाँ हर शॉप पे देखी होगी टर्किश डिलाइट। इसमें बहुत बड़ी रेंज है, ये देखें आप। तो टर्किश डिलाइट की भी बहुत बड़ी रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा ये जो है ये सारे जो है ना हनीज हैं, शहद। तो डिफरेंट तरह के हनीज हैं, ब्लॉसम हनी है और आकाशिया हनी है, वाइटल हनी, यानी डिफरेंट तरह के जो हनीज हैं, शहद हैं, वो इस सेक्शन में रखे हुए हैं। और ये बिल्कुल खालिस हनी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। अगेन डेट्स आ गई। अच्छा ये जो सेक्शन, जिस सेक्शन में अभी आया हूँ, ये है राइस का सेक्शन। यहाँ पर डिफरेंट तरह के राइस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तो नॉर्मल हमारे जो बासमती राइस हैं वो हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, इजी कुक राइस। तो इन्हीं डिफरेंट तरह के राइस हैं, सेला राइस है और मिडल ईस्ट के राइस हैं। तो डिफरेंट पैकेजिंग में हैं, डिफरेंट वेट हैं, 5 kg, 10 kg। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये डिफरेंट तरह के राइस हैं। अगर आप ये देखें, ये गज़ल राइस है, फिर ये दावत राइस है। तो ये सारे जो हैं ये राइस हैं। इस तरफ जो है ये डिफरेंट बर्तन हैं, टर्किश स्टाइल के बर्तन हैं। तो यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है ना, वो यहाँ की बेकरी है। यहाँ की बेकरी में बकलावास बनाए जाते हैं, टर्किश नान बनाए जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने शायद देखी भी ना हो पहले। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे ये देखें, ये जो है स्पिनिच बुराक, ये चीज़ बुराक है, £1.99 का। ये पोटैटो ब्रैक है, £1.99 का। और इसी तरह ये मीट ब्रैक है, ये राउंड चीज़ ब्रैक है। अच्छा ये जो है चीज़ पार्सले समथिंग पॉप, ये कोई चीज़ है, पिज़्ज़ा टाइप की है। अच्छा ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पर डिफरेंट तरह के नान हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के नान किस तरह के हैं।
ये जो है टर्किश नान है, अब इसका साइज चेक करें ज़रा। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मिलके इसको खा सकते होंगे और कितने दिन लगते होंगे इसको ख़त्म करने में। आई थिंक चार लोगों के लिए काफ़ी होगा, अगर फोर पीपल की पार्टी हो एक नान उनके लिए काफ़ी होगा। तो ये टर्किश नान है और इसकी प्राइस भी आप सुन के हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 2 pounds का ये। तो यानी आप एक दफ़ा ले लें और इसको टुकड़े करके खाते रहें, काफ़ी दिन चलेगा ये। ओके, तो हमारे साथ यहाँ के कुछ कस्टमर्स हैं जो कि यहाँ पर ग्रोसरी करने आए हुए हैं, तो उनसे कुछ बात करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? गुड। व्हाट्स योर नेम? कासिम। कासिम? या। ऑलराइट कासिम, सो डू यू लाइक दिस प्लेस? या। डू यू कम हियर क्वाइट ऑफन? नॉट दैट ऑफन। नॉट दैट ऑफन। ओके, सो हैव यू कम विद योर डैड टुडे? या। ओके, सो व्हाट आइटम आर यू गोना बाय फॉर योरसेल्फ? दिस थिंग, वाओ, दैट्स सो गुड, यम्मी। Hello sir, how are you? Fine, thank you. Where are you from? Originally I'm from Libya actually. Libya? Yeah. Okay, so yeah. Do you like Turkish food? Yeah, of course, yeah. All right, so what do you buy mostly from here? Most everything. Everything? Most of what I need, I came here directly actually. All right, so all grocery items you buy from here? Yeah. All right, okay. All right, thank you so much. के बकलावा की वैरायटी देख के तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, और आई एम श्योर कि अगर मैं आपको वैरायटी दिखाऊं तो आपके मुंह में भी बहुत पानी आएगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, बकलावा पड़े हैं, डिफरेंट तरह के डिलाइट्स पड़े हैं, तो क्यों ना ट्राई किया जाए।
यहाँ पर जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ लगी ना वो ये केक है। अच्छा, टर्की में इसको कहते हैं थ्री लीचे। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये एक मिल्की केक होता है थ्री लीचे। तो हम इसको ट्राई करते हैं क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि आप ये थ्री लीचे ट्राई करें, ये बहुत मज़े का होगा। तो हम ट्राई करते हैं इसको। हम बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम है, ऐसा लगता है जैसे कि जैसे आप खोया नहीं होता, खोए का बना हो और अंदर केक है। तो ऊपर आप देखें ये इसके लेयर है चॉकलेट कलर की, लेकिन मेरे ख्याल में चॉकलेट नहीं है, कोई मीठी चीज़ है। तो इसको हम ट्राई करते हैं। वाह यार, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है यार ये, यानी मीठे में ये कोई नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। एक तो ये कि ठंडी है, जैसा फ्रिज में रखते हैं ना चीज़ों को ठंडा ठंडा खाते हैं, उस तरह की है। और बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े की है। इसके अंदर जो फ्लेवर्स हैं ना वो मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े वाले। इतना मज़े का है कि अब मुझसे स्टॉप नहीं हो रहा अपना हाथ के मैं रोकूं। हालांकि मीठा है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन इतने मज़े की है कि मैं सोच रहा हूँ कि बस इसको पूरा ही खा जाऊँ। अगर आप किसी टर्किश शॉप पर जाएँ तो उनसे इसका पूछिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मैंने कुछ बकलावास भी ऑर्डर किए हैं और इतनी ज़्यादा वैरायटी है, मुझसे चूज़ नहीं हो रहा कौन सा बकलावा लूँ। तो मैंने इनको कहा है कि जो आपके बेस्ट बकलावास हैं उनकी मुझे बता दें। ये मेरे लिए बकलावा निकाल रही हैं और देखने में तो यार ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और बकलावा की ख़ास बात यह है कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं अंदर, ये इसके अंदर जो नट्स ड्राई फ्रूट डाले हुए होते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। तो चलें ट्राई करते हैं। तो हमारा जो बकलावा है वो हमारे सामने आ चुका है। मुझे तो यार देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुआ है किसी ने। तो यू नो इसमें ये जो है 1, 2, 3, 4 ये बकलावा है, और ये जो है ये पिंक वाली और ब्लू वाली, ये टर्किश डिलाइट है। तो देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो मैं ट्राई करता हूँ सबसे पहले जो ये बड़ा वाला बकलावा है इसको। इसके अंदर जो है ना अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट लेयर्स नज़र आएंगी, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स में चीज़ें डाली जाती हैं। अंदर ड्राई फ्रूट है, ये यू नो पेस्ट्री, यू नो ये जो ऊपर लेयर्स होती है पेस्ट्रीज की, तो बहुत ही मुझे हाथ में मैंने उठाया है ना तो मुझे बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। तो ट्राई करते हैं इसको। अच्छा, क्योंकि लेयर्स में हर लेयर डिफरेंट चीज़ की है, डिफरेंट तरह की आइटम की है, तो हर आइटम का आपको जायका जो है वो मिलता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्लेवर बनता है इसका, जो कम्बाइंड फ्लेवर बनता है ना सब चीज़ों का, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके ऊपर आप देखें तो ऊपर ये इन्होंने पिस्ताचू के भी थोड़े जो है वो स्पार्किंग की हुई है। तो बकलावा पूरी दुनिया में मशहूर है, आप किसी भी कंट्री चले जाएँ तो वहाँ पर आपको टर्किश शॉप होगी तो वहाँ पर बकलावा और ये टर्किश डिलाइट ये आपको लाजमी मिलेगा। तो ये जो मैंने ट्राई किया है बहुत ज़बरदस्त, बहुत आले, मज़े की बात यह कि बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी आपको लगता नहीं है कि आप कोई हार्ड चीज़ कोई सख्त चीज़ खा रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े का है। अच्छा, यहाँ की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स मिलेंगी, यहाँ पर आपको दालें मिलेंगी, यहाँ पर आपको मिसाले मिलेंगे, मतलब जो चीज़ भी आप लेने चाहते हैं ग्रॉसरी के लिए अपने किचन के लिए वो आपको अंडर वन रूफ मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ये सामने देखें तो वो सामने जो सेक्शन है वो फ्रूट्स का है और वेजिटेबल का है, वो कोने में आके वेजिटेबल्स भी हैं। तो यहाँ पर यानी ये कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ यहाँ पर मिल सकता है। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, आप देखें एक मैसिव साइज़ की ये बिल्डिंग है, और इसके अंदर इस तरह की बहुत सारी आइल्स हैं। अब ये देखें नंबर एक आइल ये है वो जो कि बिल्कुल एंड तक जाती है, उसके बाद ये एक आइल है जो कि अगेन एंड तक जाती है, उसके बाद ये है। तो मतलब हर यू नो आयल जो है वो फूड से भरा हुआ है, डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ के। और अगर आपको भी मौका मिले तो अगर आप मैनचेस्टर या इसके आसपास रहते हैं तो आप यहाँ चक्कर लगाएं, और अगर आपके एरिया में कोई यू नो टर्किश शॉप है तो आप उसमें चक्कर लगाएं, तो आपको मज़ा आएगा। यहाँ की चीज़ें, यहाँ के जो आइटम्स हैं आप इन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लॉग टर्किश शॉप का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि सबसे बेस्ट आइटम जो टर्किश शॉप में आपको क्या लगा।
तो चलते हैं अपना व्लॉग आज का एंड करते हैं। बाहर में आ चुका हूँ और आपसे मैं मिलूंगा अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।